नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ही वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे बम्फर बहाली है, लेकिन आईटीआई वाले के साथ बहुत ही धोखा किया गया है। ये कंपनी है नवरत्ना कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है। इस कंपनी में पूरे भारत के कोई भी आईटीआई करने वाला छात्र अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये कंपनी का वेबसाइट है उस पर ऐसा एक कॉलम बना दिया गया है जिसके वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कहीं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा गया कि सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस एक कॉलम है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर मांगा जा रहा है, इसके वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए आप तैयार रहिए, लड़ाई लड़ेंगे, लंबा लड़ाई होगा, उससे भागने वाले नहीं है। फॉर्म का डेट 23 सितंबर तक है, तो हम हैं और आप हैं, तो चलिए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या इतना ज्यादा, देख लीजिए, पहले देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। आप देखिए, पहले तो पे स्केल देख लीजिए, 26,600 से लेकर 90,000 सैलरी आपको स्टार्ट मिलने वाला है। मतलब शुरुआत 26,600 है, बेसिक है, कम से कम 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है, टीएडी वगैरह सब जोड़ दे तो, और ये लास्टली 90,000 तक जाएगा। सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 38 है, फिटर के लिए 144 है, इसके अलावा मैकेनिक्स मोटर के लिए 42 है, 13 है इसमें मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, मैकेनिक्स डीजल के लिए यहाँ पे 97 है, डीजल मैकेनिक्स वाले ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का यहाँ पर 40 है। मतलब आईटीआई के लगभग ट्रेड को कवर किया गया है। और यहाँ पर देखिए 81 है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए, इतना सारा सीट आया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मात्र के वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं, उनको उनसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर मांग रहा है, वो भी कहाँ का, असम का। असम में कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम हम बताएंगे, वहाँ का मांग रहा है। तो ऐसे में इतने सीटों से हम लोग वंचित रह पाएंगे, हमारे हक को मारा जा रहा है, ठीक है। तो ट्यूटर वार और इनके मंत्रालय तक हम लोग मेल करेंगे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, टैग करेंगे, और एक ट्विटर आंदोलन खड़ा करने वाले हैं हम लोग। पूरे देश में लगभग लाखों की संख्या में आईटीआई करने वाले युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं बहाली का, और बहाली आने के बाद इस तरह से हम लोगों के साथ नाइंसाफी होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे, सवाल है कि नहीं है। एक तो बहाली नहीं आ रही है, और आ रही है तो इसमें टर्म कंडीशन इस तरह से दिया रहता है कि हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, अगर केवल और केवल 50,000 अगर हम लोग ट्वीट कर दिए, 50,000 ओनली 50,000 ट्वीट कर दिए, हम लोगों को नौकरी मिल जाएगा और 100% मिलेगा। और तैयारी के लिए हम हैं, आप लोगों के साथ हम मिलकर तैयारी करेंगे। लेकिन ये पीएसयू है, भारत सरकार के नवरत्न कंपनी, और इस कंपनी में नौकरी मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। तैयार है, छोटा सा प्रयास करना है, ट्वीट करना है, और ट्वीट कैसे करना है, ईमेल कहाँ करना है, इस सारे प्रोग्राम का हम कल शाम को 7 बजे के आसपास वीडियो बनाएंगे, और उसमें पूरा ट्वीट कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, क्या क्या मैटर लिखना है, सारा चीज मैं करके रेडी रखूंगा। और एक ट्विटर का दिन डिसाइड होगा लगातार 1 महीने तक, 23 सितंबर तक हम लोग ट्वीट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इस पर लेकर हम लगातार वीडियो बनाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर करेगा। नौकरी का सवाल है, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है कि भारत सरकार की कंपनी जिस पर सारे पूरे भारत के सभी नागरिकों का अधिकार है और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, ठीक है। तो ट्विटर के लिए तैयार हो जाइएगा, सभी लोग तैयार हो जाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। कल 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और कल 8 बजे के आसपास अपने फेसबुक पेज से हम लाइव आएंगे। हमारा फेसबुक पेज पे आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहां से लाइव आएंगे, और ट्विटर वार होगा, लगातार 1 महीने चलेगा, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहाली आया था, 1 महीना पहले बहाली आया था, जिसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखा गया था और सीटों की संख्या 300 के आसपास था, उसमें भी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, और फिर 1 महीने बाद इतनी बड़ी सीटें आई है, फिर हम भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये क्या मतलब है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए नोटिफिकेशन को हम समझा देते हैं, लेकिन कल तैयार रहेंगे हम लोग। और एग्जाम बहुत आसान है, नौकरी लेना यहाँ बहुत आसान है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े रहेंगे इसमें नौकरी हो जाएगा, ठीक है। सीटों की संख्या तो देख ही लिए, देखेंगे 1 से 14 तक जो पोस्ट है उसमें वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड ये मांग रहा है, जो जरूरी नहीं है, जो इस फॉर्म को अप्लाई करने में, नौकरी लेने में कोई इसका जरूरत नहीं होता है, बेवजह वेबसाइट पे एक कॉलम बना दिया है और उस कॉलम में ये मांग रहा है, जिसके वजह से हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसके जैसे इंडिया में 300 कंपनियां हैं, कोई कंपनी ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर नहीं मांगता है जो भारत सरकार के अंदर में आता है,
क्योंकि भारत सरकार के अंदर में जो भी कंपनी है उस पर पूरे भारत के लोगों का अधिकार है, पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पर यह ऑप्शन होने की वजह से कोई भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएगा और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आप आईटीआई करके बर्बाद होइएगा। तो एक छोटा सा मेहनत के लिए हम लोग ट्विटर आंदोलन करेंगे, मंत्रालय तक लेटर लिखेंगे, ईमेल करेंगे, इसको सुधार कहीं मांगेंगे। अगर ये केवल ऑप्शन सुधर गया तो समझ लीजिए इसमें से कम 500 बच्चों को नौकरी मिल जाएगा और उस 500 बच्चों में हो सकता है आप भी हो। तो क्या आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, क्या आप बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे ट्विटर के लिए, जागरूक कीजिए। इस तरह से तमाम तरह के खामियां हमारे आईटीआई छात्रों के साथ होती है और हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो आज आपके जागने का समय है, आवाज उठाने का समय है, तो जगिए और आवाज उठाइए। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, कल आ रहे हैं हम पूरा तैयारी के साथ, आप लोग भी तैयार रहिएगा और सारा प्रोसेस हम बताएंगे कैसे आप इसको हटा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर रजिस्ट्रेशन इसको हटवाना है, नहीं तो यहाँ पर यह डाल दीजिए कि पूरे भारत के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर यहाँ पर वैलिड रहेगा, केवल आसाम का नहीं पूरे भारत के किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर अगर हम डालें वो वैलिड रहेगा, तब इस फॉर्म को हम लोग भर पाएंगे और इसके लिए हम लोग जोरदार ट्यूटर वार करेंगे। ठीक है, ये जो जनरल एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी दिया हुआ है ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का, सारा चीज में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डायरेक्ट लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा रूल यहाँ पर लागू हो रहा है तो ये क्यों नहीं लागू हो रहा कि सब पूरे भारत के लोग यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में, सेक्शन ए की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वेश्चन ऑन ऑल इंडिया लिमिटेड, मतलब ऑल इंडिया का हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, ऑल इंडिया कहाँ है, कब स्थापना हुआ था, कितना टर्नओवर है, मतलब इस कंपनी के बारे में से क्वेश्चन है जिसका 20% क्वेश्चन रहेगा इस कंपनी के बारे में इंग्लिश से और जनरल नॉलेज से। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का रहेगा 20% और बेहद ही ईजी पूछता है। इसके अलावा आपके ट्रेड का, जो आपका ट्रेड है ट्रेड से आपका 60% क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100% हो गया ना। तो अगर ट्रेड में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो 20 नंबर है मैथमेटिक्स रीजनिंग काफ़ी इजी होता है, अगर थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आपका यहाँ भी नंबर मिल जाएंगे कुछ। और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मतलब ये ऑल इंडिया के ही बारे में पूछेगा, तो कुल मिला दे तो आपका आराम से ये कट ऑफ पार कर सकते हैं। और देखिए इसके डेट की बात करें तो ये इसका डेट है 23, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 23 सितंबर, और 23 सितंबर तक हम लोग इस पर बहुत बड़े आंदोलन करेंगे और इसके बाद देखते हैं ये कैसे नहीं मानता है, 100% बदलाव करेगा। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया गया है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए ये लिंक है और कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए हमारे आईटीआई जो चैनल है इस पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे फॉर्म को भर के बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, सब तरह के कोई भी गवर्नमेंट जॉब आता है ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बहाली आती है उसका फॉर्म भरने के लिए इस चैनल पर बताया जाता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फॉर्म भरने में अगर गलती हो जाती है तो क्या होता है, फॉर्म वहीं पे छट जाते हैं, आप आगे आपका प्रोसीड नहीं हो पा जाता है, इसलिए बढ़िया है कि पहले देख लिया कीजिए। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो जो शेयर नहीं करेगा वो पूरे जिंदगी आप पछताइएगा, हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और शेयर नहीं करने की वजह से आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।